अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिज़ान बैंक का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो आपने अपना गूगल क्रोम या जो भी आप अपना यूज़ करते हैं ब्राउज़र, वो आपने ओपन कर लेना। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो मैंने वो ओपन कर लिया। तो सिंपली मैंने यहाँ पर google.com खोल लिया। अगर मैं आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने google.com खोला। यहाँ पे लिखा मैंने मिज़ान बैंक, के नीचे भी आ चुका है मिज़ान बैंक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, आप ये देख सकते हैं। और आप ये पहले वाले जो लिंक है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, अब ये सिर्फ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्यों है, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि मिज़ान बैंक जो है वो सिर्फ इस्लामिक ही रूल्स में रहकर काम करता है, क्योंकि ये शरीय कंप्लाइंस अपना वो है, बैंक है, तो इसलिए जो है ये शरिया को फॉलो करता है। यहाँ पे बड़े बड़े मुफ्ती हैं जो इस चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है, या हमारा मिज़ान बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये कुछ दे रहा है अपना पॉपअप, आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। अच्छा, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पहला जो है इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट। मैं सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना है, यहाँ आपके पास OTP आएगा, इसको वेरीफाई करना है। तो अभी तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जिन लोगों के पास रोशन डिजिटल अकाउंट है मिज़ान बैंक का, वो लोग इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, वैलिडेट करना है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे OTP आ जाएगा। तो OTP डाल के आप यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो मैं बाद में डालूंगा जब मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट परचेज करूँगा। तो मैंने दूसरे बैंक्स का किया हुआ है तो मैं उसके भी बना दूंगा, लेकिन अभी इस्लामी इसका मैंने नहीं किया। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि आपने यहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। चले हम बैक पे आ जाते हैं, अपना देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोबारा ये आ गया, इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट नॉन फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, मतलब कि ये वो लोगों के लिए हैं जो लोग एब्रोड में रहते हैं, वही लोग ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये सब इनकी वो हैं कि शरिया कंप्लाइंस कैसे इन्वेस्ट करता है और किस बेसिस पे है, तो ये आपको बता रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ मर्ज है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके फीचर्स यार बस यही है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ, 3 ईयर्स और 5 ईयर। मतलब कि आप जो है इसके अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे वो 3 महीने के लिए और 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब सर्टिफिकेट अवेलेबल किन किन करेंसीज में है, तो ये आपको दिखा रहा है PKR, मतलब पाकिस्तानी, USD में, GBP है, यूरो है, इनमें आप, इन करेंसीज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो आपको अगर आप PKR में कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे हाईलाइट है, अगर PKR में आप कर रहे हैं तो आपने 1 लाख तक, मतलब 1 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, उसके बाद आप इसको 10,000 डालकर और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप USD और यूरो या पाउंड में करना चाहते हैं तो उसका 5,000 USD होगा, यूरो होगा और पाउंड होगा, और उसके बाद आप 1,000 इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट ये वही है जो मैंने ऊपर बताया था कि आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होगा मिज़ान बैंक का, तो आप इसके अंदर अपना अकाउंट नंबर डाल के उस पर आपके पास OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, तो फिर आप ऐसे इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, बस मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये बता रहा है कि
ये जो फंड है ये है शरिया कंप्लाइंस है, जो मैंने आपको पहले बताया है। प्रॉफिट लॉस मैकेनिज्म है इसका, और दूसरा शरिया अप्रूवल है, मतलब कि ये आपका जो है मुफ्ती जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो सारे इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को उन्होंने अप्रूव किया है। ओके, प्रॉफिट पेमेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, तो वही मैंने बताया कि 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, ये आपका जो प्रॉफिट फ्रिक्वेंसी हो रही है। ओके, इसमें बता रहा है हाउ द इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो ये इन्होंने कुछ बताया है कि आप जो मुदारिब रहेंगे इसमें, ये देखें मुदारिब है, क्योंकि शरिया कंप्लाइंस काम ही इसी चीज़ पे करता है कि मुदारिब पे और रब्बुल माल पे, ठीक है। आप मुदारिब हैं जो आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये इधर ये टॉपिक नहीं है, तो आप अब ये सोचेंगे कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे उस पर प्रॉफिट रेट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये इस जगह पे थोड़ा सा डिटेल करके बताया है, ये मंथ ऑफ अगस्त का इन्होंने बताया, जो इन्होंने एक्सपेक्टेड रेट देना है, ठीक है। हम नीचे जाके जुलाई का भी देखेंगे। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, देखें 3 महीने में अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9.50% मिलेगा। अगर मैं मतलब लमसम भी आपको बताऊं तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9,500 या 9,400 के करीब रिटर्न मिलेगा इसको 3 महीने में। अगर आप 6 महीने का करते हैं तो 10% है, 12 का करते हैं तो आपको 10.5 है, और अगर 3 ईयर्स का करते हैं तो आपको 10.75 है, और इसी तरीके से 5 ईयर का 11 है, और ये सब इन्वेस्टमेंट है 5 ईयर्स की, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये 1.1, 5.50, ये क्या चीज़ है। तो आपका अगर यूएसडी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न जो है 5.50 आएगा, अगर आप पाउंड में करते हैं तो आपका रिटर्न 5.25 आएगा, अगर आप यूरो में करते हैं तो 4.75 आपका रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से रहेगा। और दूसरा देखें जुलाई का, इन्होंने एक्चुअल रेट अपना देखें, जुलाई जो जुलाई ओ सॉरी इन्होंने जो जुलाई के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो बता रहा है कि 3 मंथ वालों को 4.49 रिटर्न मिला है। तो देखें 3 महीने में 4.49 और इसके अंदर 4.50, तो 0.1 का डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इससे ज़्यादा ज़्यादा 50, 60 या 100 रुपये का फ़र्क आएगा बस। तो आपने जो है वो 1 लाख दिरहम से इन्वेस्ट, सॉरी 1 लाख रुपीज़ से आपने इन्वेस्ट करना है, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3 महीने के बाद ये प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप 3 महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 महीने बाद ही अपने पैसे निकालने होंगे। अगर आप 3 महीने से पहले पैसे निकालेंगे तो आपको बैंक पेनल्टी देगा, जिससे आपके अमाउंट में फ़र्क आएगा। मैं आसान अल्फाजों में बोल रहा हूँ, मैं कोई अकाउंट्स या अपना बैंक की लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, ताकि सब लोगों को समझ में आए। दूसरा ये कि अगर आप 6 महीने का आप लेते हैं कि 6 महीने तक का मैं सर्टिफिकेट लेता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि 5 महीने में ही निकलवा लूँ, तो आपको 5 महीने के हिसाब से जो उस वक्त रेट चल रहा होगा उस वक्त के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मिनिमम, मैंने इसको इसलिए हाईलाइट करके बताया कि मिनिमम 3 मंथ आपकी जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 3 मंथ होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, कोई ऐसा वो नहीं है, आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखें मैं सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर्स और ये चीज़ें आपको बता रहा था कि ये एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, हमारी गवर्नमेंट ने एक हमें आसानी दी है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप किसी मुफ्ती आलिम से पूछें अगर ये चीज़ ठीक है तो आप इन्वेस्ट करें। मैं आपको इसकी तरफ रागिब नहीं करता कि आप इसको इन्वेस्ट करें, इसमें लाजिम ये बिल्कुल सही है या गलत है, इस चीज़ का मैं फ़ैसला नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। लेकिन बस मैं आपको इसका फीचर बता रहा था कि हमारी गवर्नमेंट ने हम बाहर रहने वालों के लिए एक आसानी पैदा की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप का जो भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए, तो मैं
इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। आप अपना ख्याल रखें। अगर आप न्यू हैं, अगर आप मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है हम लोगों को। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।